तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक और आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं साइकिल का हेडलाइट बिना बैटरी के, यानी हम लोग डायनेमो से बनाने वाले हैं साइकिल का हेडलाइट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना, बीच में अगर कुछ डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, इस वीडियो में मैं थ्रू आउट वीडियो में नहीं वॉइस ओवर दूंगा, मतलब थ्रू आउट मैं नहीं बोलता रहूँगा क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब लग रहा है और आवाज़ से तो मालूम लग ही रहा होगा। सो देखते रहो, बीच बीच में गाइड करूँगा आपको। सो कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 8 mm का LED ले लिया है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा स्टेशनरी के शॉप पर या फिर इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर भी आराम से मिल जाएगा। तो इसमें मैंने अपने पांचों का पांचों LED को लगा दिया है, और इसका जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर मैं फेविक्विक लगा के काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया हूँ, ताकि ये थोड़ा हार्ड रहे और थोड़ा टिकाऊ बन सके। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है पैरेलल, मतलब जितना भी बैटरी बोल रहा हूँ, जितना भी इस LED का पॉजिटिव है उसको मैंने एक साथ सोल्डर किया, जितना भी नेगेटिव है उसको एक साथ मैंने सोल्डर कर दिया है पांचों का पांचों LED को। तो ऐसा आपको भी करना है, अगर सीरीज़ में लगा देंगे तो ऐसा होगा कि जो बैटरी पहले, मतलब जो LED पहले लगा है उसको ज़्यादा पावर मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो बढ़िया से इक्वल वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसको बाद में इसके ऊपर फटाफट से सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का आ गया मोटर, जो कि ये 12 वोल्ट का DC मोटर, ये 775 है। तो आपके पास अगर ये नहीं अवेलेबल हो तो आप आसपास के इलेक्ट्रिशियन के दुकान से जुगाड़ के तौर पे इसे मंगवा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रोसेस करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देने का, कहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये हम लोग का असल डायनेमो है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, एक कैप लिया, उसके अंदर छेद करके इसके मोटर के शाफ्ट पे लगा दिया, और यहाँ पर मैंने कॉटन लगा दिया, उसके ऊपर मैं हॉट ग्लू गन से पूरा भर दूंगा। बहुत लोग बोलेंगे कॉटन क्यों लगाया, तो इससे क्या होगा कि पूरा अच्छी तरीके से इसका पकड़ मजबूत बैठेगा। वरना होता क्या है कि भाई कैप तो लगा दिया लेकिन तुरंत एक ही बार मोटर को पावर दो, ये कैप घूमने के दौर पर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सो इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद मैंने 2 रबड़ लगा दिए ताकि अच्छा से ग्रिप बने। अब फटाफट से साइकिल में ये सबको फिट करने की बारी आती है, इसे फटाफट से मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ।
तो यार हम लोग का ये जो हेडलाइट है अच्छी तरीके से बंद करके तैयार हो गया है। कमाल की बात है कि इसमें बैटरी एक भी बैटरी यूज़ नहीं हुआ है, पूरा का पूरा इसमें मोटर लगा हुआ है। तो यार रात के 1 बज रहा है भाई, और तबीयत मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे चुप के यहाँ से निकलना पड़ा। खैर वीडियो बनाने के लिए कुछ भी, तो यहाँ पर मैं मेन स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दिया हूँ। हालाँकि मुझे डर भी लग रहा है कि कुछ गैंग सबका अटैक भी हो सकता है। हाँ, इन्हीं लोग का बात कर रहा हूँ। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने उधर से अपने नॉर्मल स्पीड पे आया तो ये रोशनी इतना दे रहा है, दैट्स अ फाइन। बट इधर से जाते वक्त भी मैं अपना स्पीड हल्का सा इंक्रीज़ किया तो काफ़ी यार अच्छा खासा इसका रोशनी दे रहा है। बट वहाँ से आते वक्त मैं अपना पूरा टॉप स्पीड में आया, एंड बिलीव मी भाई, ऐसा लग रहा था कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसका मतलब लाइट वेट कर रहा था। तो भाई जितना तेज़ आप साइकिल चलाओगे उतना ज़्यादा रोशनी होगा। तो होप करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार।